अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन और वो भी दूध वाले पाउडर से। नॉर्मली गुलाब जामुन खोया से बनते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर खोया मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आज हम दूध के पाउडर से खोया बनाएंगे और खोया बनाकर फिर हम उससे गुलाब जामुन बनाएंगे। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बनाना है उसके लिए शीरा। शीरे के लिए हमें चाहिए 1.5 कप शुगर और उसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि शुगर सिर्फ गीली हो जाए। तो हमने सिर्फ उसको जब शुगर घुल जाएगी तो हमने इसको उतार लेना और साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा लीमू का जूस, थोड़ा सा जल्दी करन। आपने नहीं डालना तो ना डालें, लेकिन जरा मुझे थोड़ा सा शीरा कलरफुल अच्छा लगता है। वो सब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी घुल जाए, चूल्हे से उतार के साइड पे रख देंगे। और याद रखना है कि गुलाब जामुन के लिए शीरा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो, नहीं तो आपके गुलाब जामुन अगर ज़्यादा गर्म होगा तो गुलाब जामुन आपके बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, और अगर ठंडा होगा तो शीरा जो है वो गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगा। तो बस हम इसे पकाते हैं और उसके बाद हम गुलाब जामुन के लिए खोया बनाते हैं। देखिए शीरा में सारी चीनी घुल गई है, अब हम इसे साइड पर रख देंगे और अपना खोया बनाएंगे। खोया बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप दूध, टेबलस्पून घी चाहिए। गरम हो जाए इसमें 3/4 कप डालना है मिल्क पाउडर। ये मैंने 4 टीस्पून सूजी रखी हुई थी गीली करके, वो हमने डाल दी। इसको चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, हमारा खोया अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब हम इसमें डाल लेंगे इलायची पाउडर 1 चुटकी, जायफल पाउडर जाएगा इसमें 1 चुटकी, पहले मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 चुटकी, बिल्कुल 1 चुटकी, ज्यादा नहीं डालना। मीठा सोडा डालेगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज्यादा डालेंगे तो हमारे गुलाब जामुन सख्त होंगे,
छोटे पीस काट लेंगे। ऑयल की मदद से ना फिर इसको गोल गोल सर्कल बना लें। हमने ऑयल रख दिया गरमाने के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ऑयल रखना है। ये देखिए हमने सर्कल बना लिया, बिल्कुल क्रैक नहीं होने चाहिए हमारे। इसको ऐसे रख के बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बनाते जाओ। टेस्ट करने के लिए ना मैंने एक डाला था ताकि जब बबल बनने तो समझ जाए कि हमारा जो है वो ऑयल रेडी है। बिल्कुल हल्के हल्के बबल बनने चाहिए। अब मैं सारे इसमें डाल दूंगी और इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। आपने आंच को तेज नहीं करना, अदरवाइज आपके जो गुलाब जामुन है अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे। आज पे मैं फ्राई करूंगी और फ्राई करके जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको शीरे में डाल देंगे। तो आप देखते जाए, मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। और जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आती, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इंग्लिश में भी डिटेल देती हूँ ताकि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती या इंग्रेडिएंट्स में कोई मिसिंग हो जाता है तो मैं सारी चीज को डिटेल में इंग्लिश में भी नीचे लिखती हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट करके सारी रेसिपी को दोबारा से डिटेल में देख सकते हैं कि अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है और किस तरह है। कोई चीज़ आप लोगों से ख़राब हो जाती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों ने ज़्यादा डाल दी या कम डाल दी। देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल कर ऊपर आ गए और आस्ता आस्ता ये हल्के आँच पर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। आपने इसको ऐसे घुमाते रहना ताकि एक ये ना हो कि एक साइड से ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड से वाइट रह जाए। तो इनको इवन फ्राई करने के लिए आपने इनको मूव करते रहना। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ताकि ये इवन फ्राई हो। ये गोल्डन ब्राउन हो गया। इस पॉइंट पर आप अगर आपको जो कलर चाहिए इस पॉइंट पर उतार सकते हैं। थोड़ा सा डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं। अगर आपको काला जामुन बनाना है तो बिल्कुल डार्क करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और फिर निकाल के मैं इनको शीरे में डालती हूँ। अच्छी हो गया, मैं इनको निकाल लूँ। निकाल के तो शीरे में डाल दूँगी। देखिए हमारे मजेदार से गुलाब जामुन तैयार।
एडिशन करके ऊपर नट्स डाल के, और एक ऑप्शन ये है कि आप इसको जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक मैंने पना बना के रखा था, मैं आपको सामने करती हूँ। कोकोनट को लेके, क्रश्ड कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट को डाल लेके इसको उसमें ऐसे अपने रोल करना है, ये भी एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगी रखना, तक पका हुआ। और यहाँ मैंने नरम इंस्टेंट खोया बनाया था थोड़ा सा। इसकी रेसिपी मैंने आपको शुरू में बताई है कि जब आपने गुलाब जामुन बनाने हैं तो पहले आपने खोया बनाना है, तो वही मैंने उसी तरह का दोबारा थोड़ा सा बना के तो मैंने आपको ये आपके लिए रखा है। उसको आप थोड़ा सा ऐसे अपने गुलाब जामुन के हिसाब से करके इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। इस तरह करके आप इसको ऐसे करके आप इसको उसमें रोल कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की गुलाब जामुन बन गए। एक और मैं बनाती हूँ इस तरह का, खोए वाले गुलाब जामुन बन गए। मैंने आपको तीन तरीकों से, एक ये वाले प्लेन वाले जैसे ऐसे, दो ये हो गए, ये तीन तरह के मैंने आपको बताया कि आप तीन तरह के आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। एक ही रेसिपी से आप तीन तरह के गुलाब जामुन बना सकते हैं, सॉफ्ट और अंदर तक पके हुए हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन में रिटन रेसिपी जो डाली होती है इंग्लिश में भी, वो भी आपको मिल जाएगी, ताकि आपको कोई मेजरमेंट में कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म की तो आपको मिल जाएगी। तो हमें याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।